अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 30 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 30 में हम अमीबा में बाइनरी फिशन को ऑब्जर्व करेंगे फोटो माइक्रोग्राफ या चार्ट के जरिए। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम बाइनरी फिशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में और उन टू डॉटर सेल का जो साइज होगा वो इक्वल होगा और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने अमीबा में बाइनरी फिशन को डिस्कस करना है। सो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप शामिल है, हमें प्रिपेयर स्लाइड्स चाहिए या फोटो माइक्रोग्राफ चार्ट चाहिए जिनमें बाइनरी फिशन जो है वो अमीबा में शो हुई हुई हो। सो जब आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में बाइनरी फिशन अमीबा में, सो अमीबा जो है ये हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस मौजूद है और ये पेरेंट सेल है अमीबा का जिसको हमने डिवाइड होते हुए देखना है और ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। जब बाइनरी फिशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है अमीबा का उसमें जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा उसमें मटेरियल और माइटोटिक डिवीजन से जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा और एज अ रिजल्ट जो है वो न्यूक्लियस सबसे पहले स्प्लिट होगा और न्यूक्लियस के स्प्लिट होते ही जो अमीबा का पेरेंट सेल है वो दो सेल्स में इक्वल साइज के दो सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा जिनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। सो माइटोटिक डिवीजन से जो पेरेंट सेल है अमीबा का वो डिवाइड हो गया है डॉटर सेल्स में। और आप देख सकते हैं इनमें तमाम जो है मटेरियल मौजूद है। सो आज के एक्सपेरिमेंट की जो प्रिकॉशन है वो क्या है, जब आपने स्लाइड ऑब्जर्व करनी है माइक्रोस्कोप में तो आपने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का स्टेज है उसको अच्छे से साफ करना है। इसके अलावा आपने जो स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे अच्छे तरीके से आपने क्लिप करना है और आपने पहले लो में ऑब्जर्व करना है और फिर हाई में आपने ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में स्लाइड को। सो आप ये देख सकते हैं ये एक जो है वो व्यू है माइक्रोस्कोप का। सो बाइनरी फिशन से अमीबा डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में और उन डॉटर सेल्स का जो साइज होता है वो तकरीबन इक्वल होता है और जो डॉटर सेल्स हैं वो साइज में मजीद ग्रो करेंगे और फिर वो अगेन डिवाइड करेंगे।